प्यारे विद्यार्थियों, फिजिक्स के फंडे में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट। अभी तक हम प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं, तो हम प्लेन मिरर में ही रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए इसको हम समझने के लिए कुछ केसेस में डिवाइड कर देते हैं। तो देखते हैं केस वन। केस वन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग पैरेलल टू द मिरर सरफेस। दोस्तों ये मेरी मिरर सरफेस है, ये दोस्तों मेरी मिरर सरफेस है और मेरा ऑब्जेक्ट इसके पैरेलल मूव कर रहा है। पैरेलल मूव कर रहा है मतलब कैसे मूव करेगा? या तो यहां मूव करेगा या नीचे मूव करेगा, ठीक है। मान लीजिए इसकी वेलोसिटी भी है दोस्तों, वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन भी आएगी इसमें। अगर इसकी वेलोसिटी भी है तो वो पूछते हैं कि बताओ इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी। हमें एक चीज पता है कि अगर मैं यहां से डी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो इसकी इमेज पीछे बनती है सेम डी डिस्टेंस दू, क्लियर। तो यहां पर हमें इसकी इमेज मिलेगी आई, ये ऑब्जेक्ट की इमेज क्या मिलेगी दोस्तों? आई। और अगर इसकी स्पीड भी है या वेलोसिटी भी है तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर ये यहां पहुंच गया, अगर ये यहां पहुंच गया तो आपको समझ आ रहा है कि इसकी इमेज भी यहां पहुंच जाएगी, इसकी इमेज भी वहां पहुंच जाएगी। मतलब ये भी ऊपर की तरफ मूव करेगा, ये भी ऊपर की तरफ मूव करेगा। सो मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ इमेज। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ इमेज, ठीक है। चलिए अब देखते हैं वो केस जब मेरा ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मिरर सरफेस। अब क्या होगा दोस्तों? मिरर सरफेस के परपेंडिकुलर मेरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो यहां पर मैं मिरर सरफेस लेता हूं दोस्तों, ध्यान से देखिए, यहां पर मैंने एक मिरर सरफेस ली और यहां पर मेरा ऑब्जेक्ट बेचारा परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है? परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है विद स्पीड ऑफ वीओ, ठीक है। चलो अब यहां पर हमने माना है कि मिरर स्टेशनरी है, मिरर का कोई मोशन नहीं है, अभी सिर्फ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो दोस्तों बताओ मेरी इमेज कहां मूव करेगी? इसको समझने के लिए अगर यहां से d डिस्टेंस दूर, यहां से d डिस्टेंस दूर अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट लेता हूं तो मिरर से d डिस्टेंस दूर ही ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज क्या बनेगी दोस्तों? सेम d डिस्टेंस दूर ही बनेगी इमेज। ये आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक। चलिए अब क्या करते हैं, मान लीजिए t टाइम में x डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, t टाइम में x डिस्टेंस ट्रेवल कर गया तो क्या स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम लगा सकता हूं? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन टी टाइम। चलिए मान लीजिए दोस्तों यहां से ऑब्जेक्ट मेरी इनिशियल पोजीशन पे था, इनिशियल पोजीशन ए थी और अब यहां पहुंच गया कुछ ए डैश पोजीशन पे। कितनी पोजीशन पे पहुंच गया? ए डैश पोजीशन पे। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया, ओके। अब मेरा ऑब्जेक्ट यहां आ चुका है, अब मेरा ऑब्जेक्ट यहां आ चुका है इस पोजीशन पे, ये मेरा न्यू ऑब्जेक्ट है ओ डैश, राइट। अब इसकी डिस्टेंस कितनी दोस्तों? इसकी डिस्टेंस क्या डी माइनस एक्स है? इसकी डिस्टेंस डी माइनस एक्स। हम हमेशा डिस्टेंस मिरर से देखते हैं, कहां से देखते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर देखते हैं दोस्तों। तो अगर इसकी डिस्टेंस डी माइनस एक्स है तो क्या इमेज भी डी माइनस एक्स डिस्टेंस पे ही बनेगी? इमेज भी डी माइनस एक्स डिस्टेंस पर ही बनने वाली है, मतलब एक नई इमेज बन रही है यहां पर आई डैश, क्लियर ना। अब ध्यान से देखिए, अगर मेरा पार्टिकल एक्स मूव कर रहा है, अगर मेरा पार्टिकल एक्स मूव कर रहा है टुवर्ड्स राइट तो मेरी इमेज कहां मूव किए? ये भी देखो, ये d था, ये d माइनस एक्स, मतलब ये डिस्टेंस कितना हुआ होगा x, ये डिस्टेंस कितना हुआ दोस्तों x, मतलब मेरा जो पार्टिकल है वो पीछे की तरफ मूव कर रहा है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहा है, सेम डिस्टेंस x। अगर ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द मिरर मूव कर रहा है तो इमेज भी टुवर्ड्स द मिरर मूव कर रही है, दोनों टुवर्ड्स द मिरर मूव कर रहे हैं। और आपने प्रैक्टिकली भी देखा होगा, जैसे ही आप मिरर के पास जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी इमेज भी मिरर के पास आ रही है, देखा? ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है बिल्कुल। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे, अगर मैं स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस बाय टाइम दोनों तरफ अगर डिस्टेंस बराबर है तो मैं लिखता हूँ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू एक्स बाय टी और वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू एक्स बाय टी। अगर स्पीड लेता हूँ तो एक्स बाय टी लिखूंगा, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट लेता हूँ तो वेलोसिटी लेता हूँ तो माइनस एक्स लिखना पड़ेगा, माइनस एक्स बाय टी। दोस्तों क्यों? क्योंकि 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 ये इधर आ रहा है, मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट आ रहा है और ऑब्जेक्ट मेरा टुवर्ड्स राइट जा रहा है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस टाइम वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। माइनस साइन सिर्फ आपको ये शो कर रहा है कि इमेज और ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन दोनों ऑपोजिट है, बाकी मैग्नीट्यूड में कोई अंतर नहीं है। अगर आप 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से मिरर की तरफ भागोगे तो इमेज भी 5 मीटर प्रति सेकंड की तरफ
5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से मैच की मिरर की तरफ भागी। सिमिलरली मान लो जी ये मिरर है और आप मिरर से दूर भाग रहे हैं। मिरर से कहाँ भाग रहे हैं? दूर भाग रहे हैं। कितनी स्पीड से? 2 मीटर पर सेकंड से। तो आपकी जो इमेज होगी वो भी दूर भागेगी कितनी स्पीड से? 2 मीटर पर सेकंड से। अगर मैं दोनों में रिलेशन बताऊं तो एक इधर एक इधर, एक होगा प्लस तो एक होगा माइनस। केसेस क्लियर आपको? तो हमने अभी दो केस देखे, जब एक पैरेलल मूव किया और एक परपेंडिकुलर मूव किया। पैरेलल मूव करने में स्पीड में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन परपेंडिकुलर मूव करने में स्पीड में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन वेलोसिटी में सिर्फ डायरेक्शन का चेंज हो जाता है। सो नाउ फ्रेंड्स मूव ऑन टू नेक्स्ट केस। यहां पर मिरर मूव्स विद स्पीड वी, मतलब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा। और कौन मूव कर रहा है दोस्तों? मिरर मूव कर रहा है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि मिरर मूव कर रहा है विद स्पीड वी टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन और विद अ वेलोसिटी माइनस वी। क्लियर? चलिए अब ध्यान से देख के चलना दोस्तों, सब कुछ क्लियर समझ में आएगा आपको। बहुत आसान चीज है, कोई डरने वाली बात नहीं है। मान लीजिए कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस d है, जिसे हमेशा मानते हैं अपन ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की डिस्टेंस d है, ठीक। अब यहां से जो इमेज बनेगी दोस्तों, इमेज कितनी डिस्टेंस बनेगी? आपको तो बचपन से बताया ये चीज, इमेज भी d डिस्टेंस पे ही बनेगी, i डैश। क्लियर? चलो अब मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज, कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में दूरी कितनी है? ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में दूरी कितनी है दोस्तों? तो आप बोलेंगे हाँ ऑब्जेक्ट के इमेज की डिस्टेंस निकालना है, तो ये डी और ये डी, तो क्या ये 2D? क्लियर? चलो अब क्या हुआ, मान लो मिरर वी स्पीड से मूव कर रहा है, मिरर वी स्पीड से मूव कर रहा है, तो कुछ टी टाइम में एग्जिस्टेंस मूव कर रहा होगा। मैं मान लेता हूं कि मिरर भाई यहां आ गए, मिरर भाई यहां आ गए, कितनी डिस्टेंस खिसक गए? टी टाइम में एग्जिस्टेंस खिसक गए, टी टाइम में एग्जिस्टेंस खिसक गए। क्लियर? चल अब ध्यान से देखो, अब ये वाला मिरर यहां नहीं है मेरा, अब मेरा मिरर रेड है, ओके। अब ऑब्जेक्ट यहीं पे, ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है। तो दोस्तों एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट में और न्यू मिरर में अब कितने डिस्टेंस बची? पहले डिस्टेंस डी थी, एक्स मूव कर गया, तो अब डिस्टेंस कितनी बची? डी माइनस एक्स। शाबाश दोस्तों, ये हो जाएगा डी माइनस एक्स। दिस इज द पोजिशन ऑफ डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन मिरर, न्यू पोजिशन ऑफ द मिरर एंड ऑब्जेक्ट, ओके। मुझे पता है कि अगर अगर डिस्टेंस डी माइनस एक्स है ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में, तो इमेज और मिरर के बीच में भी इतनी डिस्टेंस होगी। मतलब मेरी जो इमेज बनने वाली है दोस्तों, क्या इमेज डी माइनस एक्स में ही बनेगी न्यू इमेज? आई डैश न्यू, आई डैश न्यू इमेज जो बनेगी मेरी, वो ये डी माइनस एक्स का ऑब्जेक्ट है, तो डी माइनस एक्स में ही इमेज बनेगी, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं ऑब्जेक्ट में और न्यू इमेज में, ऑब्जेक्ट में और न्यू इमेज में कितनी डिस्टेंस है दोस्तों इन दोनों के बीच में? ये डी माइनस एक्स और ये भी डी माइनस एक्स, ये भी डी माइनस एक्स और ये भी डी माइनस एक्स, तो कितना हो गया ये? 2D माइनस 2X, 2D माइनस 2X। देखिए अब क्या हुआ है कि ऑब्जेक्ट तो फिक्स था, हमने ऑब्जेक्ट को मूव तो नहीं किया, हमने ऑब्जेक्ट को मूव नहीं किया दोस्तों। मिरर को इतना मूव किया, मिरर को हमने मूव किया X, मिरर को हमने मूव किया X, मिरर मूव बाय डिस्टेंस X, ठीक है। इमेज पहले यहां थी, इमेज पहले यहां थी, अब यहां आ गई। पहले पोजिशन थी, अगर मैं इसको ओरिजिन मान लूं, ध्यान से देखिए दोस्तों, पहले 2D पे थी, अब 2D माइनस 2X पे आ गई। तो अगर मैं इसकी फाइनल पोजीशन निकालूं, अगर मैं इसकी फाइनल पोजीशन निकालूं, तो आपको ऐसा लग रहा है दैट द पोजीशन ऑफ न्यू इमेज चेंज्ड बाय, चेंज कितना हुआ? चेंज इन पोजीशन निकालूं मैं, चेंज इन पोजीशन ऑफ इमेज। क्या फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन? तो ये जाएगा 2D माइनस 2X, 2D माइनस 2X, इनिशियल पोजीशन क्या है? 2D, इनिशियल पोजीशन क्या है दोस्तों? 2D, ओके। तो कितना आ जाएगा? -2X। शाबाश, ये क्या है? चेंज इन पोजीशन ऑफ इमेज, ओके। अगर मूव किया डिस्टेंस मेरा, ये देखो ये डिस्टेंस कितना मूव किया मिरर? X। अगर मिरर ने X डिस्टेंस मूव किया है, तो इमेज ने 2X डिस्टेंस मूव किया दोस्तों। डिस्टेंस की बात कर रहा हूं इसलिए नेगेटिव साइन नहीं लगा रहा हूं, डिस्टेंस की बात कर रहा हूं इसलिए नेगेटिव साइन नहीं लगा रहा हूं। लेकिन हमें एक चीज पता पड़ गई कि मिरर गया लेफ्ट में, मिरर गया लेफ्ट में, मिरर गया लेफ्ट में, तो इमेज भी गई लेफ्ट में।
मिरर गया लेफ्ट में तो इमेज भी गई दोस्तों लेफ्ट में, लेकिन डबल रफ्तार से, लेकिन डबल रफ्तार से हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 times वेलोसिटी ऑफ द मिरर, क्योंकि ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव 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 मिलके काम बना दिया हमने हमारा। तो दोस्तों 3 चीज समझ में आ गई हमको, अगर अगर सरफेस के पैरेलल मूव करे तो कोई चेंज नहीं, परपेंडिकुलर मूव करे तो बराबर स्पीड लेकिन ऑपोजिट वेलोसिटी, अगर आप 5 की स्पीड से भाग रहे हो तो इमेज -5 की वेलोसिटी से भागेगी, क्लियर। थर्ड और वेरी इंपॉर्टेंट केस, अगर मेरा मिरर 3 meters per second की स्पीड से लेफ्ट में भाग रहा है तो मेरी इमेज 6 meters per second की स्पीड से लेफ्ट में भागेगी, और मेरा मिरर 5 meters per second की स्पीड से राइट में भाग रहा है तो इमेज 10 meters per second की स्पीड से राइट में भागेगी। बस आपको यह ध्यान रखना है, जब मिरर मूव करता है तो दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, और जब सिर्फ मिरर स्टेशनरी रहता है, ऑब्जेक्ट मूव करता है तो डायरेक्शन पलट जाती है, क्लियर। तो आइए दोस्तों लेते हैं केस 4। यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट और मिरर दोनों मूव कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी जहां मर्जी है वहां मूव करो। चलिए अब क्या हो रहा है, यहां पर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है टुवर्ड्स द मिरर और मिरर मूव कर रहा है टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, मिरर मूव कर रहा है टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। दोस्तों यहां पर जब भी दो पार्टिकल मूव करते हैं, जब भी दो पार्टिकल मूव करते हैं तो हमेशा हम रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से प्रॉब्लम को इजी बना देते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट से प्रॉब्लम को इजी बना देते हैं। दोस्तों रिलेटिव वेलोसिटी आपको पता होगा कि हम दोनों में से किसी एक को ऑब्जर्वर मान लेते हैं, ऑब्जर्वर मान लिया मतलब क्या किया, मैंने एक आदमी को लाया मैं और इस आदमी को मैंने बोला आज से तू ऑब्जर्वर है, आज से तू ऑब्जर्वर है, और ऑब्जर्वर का काम ज्यादा कुछ नहीं होता है, आराम से बैठना होता है, मतलब ये मिरर से चिपक के बैठ जाएगा, जैसे जैसे मिरर मूव करेगा वैसे वैसे आदमी भी मूव करने वाला है, ठीक बात। देखो दोस्तों ध्यान से सुनना, ध्यान से, जहां से इधर नजर हटी की दुर्घटना घटी, ध्यान से सुनना बिल्कुल। मान लीजिए ऑब्जर्वर है, अब क्या करेगा, अब ये बोलेगा कि भाई मिरर रेस्ट पे है, ये क्या बोलेगा, मिरर रेस्ट पे है, क्योंकि ऑब्जर्वर की प्रॉपर्टी होती है, ऑब्जर्वर की प्रॉपर्टी होती है ये कि अपने आप को रेस्ट पे मानता है और पूरी दुनिया को घूमता हुआ मानता है, तो ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि भाई मिरर रेस्ट पे, एक्चुअली में नहीं है, एक्चुअली में मिरर भी मूव कर रहा है, लेकिन ये क्या बोलेगा भाई साहब कि मिरर तो रेस्ट पे है, तुम मूव कर रहे हो, ठीक बात है। तब अगर इसकी बात माने, अगर इसकी बात माने तो हमें पता है कि अगर ये ऑब्जेक्ट इधर मूव करता है टूवर्ड्स दी मिरर मूव करता है तो इमेज कब मूव करती है, इसको भूल जाओगे, इसको भूल जाओ, है ना, अगर ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ मूव कर रहा है तो इमेज भी क्या मिरर की तरफ मूव करेगी, ये चीज आपको क्लियर, शाबाश। इसका मतलब कि जो इमेज बनने वाली है यहां पर ये भी तो इधर ही मूव करेगी, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज, करेक्ट। अच्छा अगर ये ऑब्जर्वर की बात माने, अगर ये 3 बार वाले ऑब्जर्वर की बात माने तो ये बोलता है कि द वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू -10 वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, is equal to -10 velocity of the object, sorry, -10 velocity of the object, but with respect to observer, with respect to observer, with respect to observer, velocity of image is equal to -10 velocity of object, but दोनों velocities with respect to observer लेना है। अगर आपने with respect to observer ले ली दोस्तों, खेल खत्म, पैसा हजाम। इधर देखो ध्यान से, इसको मैं लिखता हूँ VAB, याद है आपको VAB कैसे लिखते हैं, VAB is nothing, it is VA minus VB. Similarly, इसको लिखता हूँ velocity of image minus velocity of observer is equals to minus times velocity of object minus velocity of observer. Velocity of observer. VO velocity of object है और VOBS velocity of observer है, ठीक है। चलिए तो मैं velocity of देखो दोस्तों ये minus है, तो मैं ऐसे लिख दूँ velocity of image is equals to velocity 2 times velocity of observer, 2 times velocity of observer minus velocity of object, velocity of image is equals to 2 times velocity of observer minus velocity of object, ये minus है, ये minus minus plus हो गया, तो ये इसलिए plus observer और ये वाला observer भी उधर चला गया, तो ये 2 times observer हो गया, ठीक है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन दोस्तों आप इजीली कर सकते हो। अब ध्यान से सुनो, ऑब्जर्वर की स्पीड कितनी, अरे भैया ऑब्जर्वर तो मिरर ही है, ऑब्जर्वर तो मिरर से चिपक के बैठा है, अगर ये मिरर से चिपक के बैठा है इसका मतलब जो ऑब्जर्वर की स्पीड होगी, जो ऑब्जर्वर की स्पीड होगी क्या वही तो मिरर की स्पीड होने वाली है, इसका मतलब क्या मैं ऐसे लिखूं ऑब्जर्वर की जगह 2 times वेलोसिटी ऑफ द मिरर, 2 times वेलोसिटी ऑफ द मिरर, ओके। तो हमारा फॉर्मूला आ गया वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 times वेलोसिटी ऑफ द मिरर
माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये सारी वेलोसिटीज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये सारी वेलोसिटीज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, और ये जो वेलोसिटी है ये विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। क्लियर? अब चलते हैं दोस्तों आगे, एक लेते हैं एलडीक्यू और सब चीज कर लेते हैं क्लियर। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, हम फॉर्मूले का यूज करेंगे, फिर हम कॉमन सेंस का यूज करेंगे और आपको दोनों केस में बड़ा मजा आएगा। ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जो कि 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से टुवर्ड्स राइट मूव कर रहा है, और यहाँ पर मिरर है जो खुद 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से टुवर्ड्स राइट मूव कर रहा है। तो सबसे पहले हमको वेलोसिटी लिखनी होती है दोस्तों वेक्टर फॉर्मेट में, तो मैं वेलोसिटी लिख लेता हूँ, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया मेरा 2i कैप, और वेलोसिटी ऑफ मिरर आ गया मेरा 3i कैप, दोनों प्लस में है तो दोनों दिक्कत ही नहीं कुछ। अब अगर मुझे वेलोसिटी निकालना, किसकी, इमेज की, अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है तो मैं क्या फॉर्मूला लगाता हूं दोस्तों, 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ द मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ये क्या 6 माइनस 4 i कैप, दैट इज 6 माइनस 2 i कैप, दैट इज 4 i कैप। मेरा आंसर कितना आ गया दोस्तों, 4 i कैप मेरा मीटर पर सेकंड यूनिट लिख दीजिए, 4 i कैप मतलब मेरी इमेज कहां मूव करेगी, इमेज मूव करेगी टुवर्ड्स राइट विद अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। तो ये तो हमने लगाया फॉर्मूला, ये क्या लगाया हमने दोस्तों फॉर्मूला। अब हम लगाते हैं अपना ज्ञान चक्षु, क्या लगाते हैं दोस्तों, ज्ञान लगाते हैं। ध्यान से देखो यहां पर दो केस है, क्या केस है, एक तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है टुवर्ड्स राइट और दूसरा मिरर मूव कर रहा है टुवर्ड्स राइट। ठीक है, एक काम करता हूं हम इस केस को दो पार्ट में सॉल्व करते हैं, दोस्तों ध्यान से देखिए, अगर मैं मान लूं कि ये मिरर रेस्ट पे, अगर मैं मान लूं मेथड टू कॉमन सेंस ज्ञान की बात, मेथड टू ज्ञान सेंस। अब देखो दोस्तों हमारा मान लीजिए ये 2 मीटर पर सेकंड से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इतनी स्पीड से मूव कर रहा है, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से टुवर्ड्स द मिरर मूव कर रहा है। तो आपको पता है कि अगर ये टुवर्ड्स द मिरर मूव कर रहा है तो इमेज भी टुवर्ड्स द मिरर मूव करेगी। अगर ये मान लीजिए इमेज यहां पर है, अगर इसका इफेक्ट देखें तो यहां पर आएगा हमारा 2 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स लेफ्ट। याद दोस्तों अगर ये मिरर स्टेशनरी होता है, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ इमेज में नेगेटिव का साइन होता है बस, ये जैसे यहां पर राइट। तो अगर ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड से राइट मूव कर रहा है तो इमेज 2 मीटर पर सेकंड से लेफ्ट मूव करेगी। ठीक है, ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट की बात। अब क्या करते हैं, अब मान लेते हैं ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, मान लेते हैं दोस्तों ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और मिरर मूव कर रहा है टुवर्ड्स राइट, ये केस भी बताया आपको कि जिस डायरेक्शन में मिरर मूव करता है क्या स्पीड डबल हो जाती है उसी डायरेक्शन में, इमेज की स्पीड सेम डायरेक्शन में डबल हो जाती है जिस डायरेक्शन में मिरर मूव कर रहा है। अब देखो मिरर मूव कर रहा है टुवर्ड्स राइट, विद स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब इमेज मूव करेगी इसकी डबल स्पीड से 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड, मिरर के कारण 6 मीटर पर सेकंड और ऑब्जेक्ट के कारण -2 मीटर पर सेकंड। अगर मैं इन दोनों का कंबाइंड रिजल्ट निकालू कॉमन सेंस से, कौन से सेंस से दोस्तों, कॉमन सेंस से, तो आपको दिख रहा होगा 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड ये आ रही है और 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड ये आ रही है और ये वेलोसिटी है, तो हमको माइनस कर देना पड़ेगा। तो माइनस करेंगे तो क्या 4 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स राइट आ गया। अगर वेक्टर फॉर्मेट में लिखूं तो क्या 4 i मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं वेलोसिटी और इमेज, ये हमने निकाला कॉमन सेंस है और अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 4 और 4 मैच करेगा। तो आप चाहें तो कॉमन सेंस लगा लें, आप चाहें तो फॉर्मूला लगा लें, और ना चाहें तो कोई बात नहीं। तो दोस्तों अपनी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स को और बढ़ाते हुए हम ले रहे हैं एक एलडीक्यू। यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट भैया है, ऑब्जेक्ट भैया बैठे हुए हैं एक पॉइंट पे और वहां से वो स्टार्ट करने लग गए अपना मोशन विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, यहां पर मिरर बड़ा शांति से बैठा हुआ है, और वो पूछ रहे हैं कि इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, दोस्तों। अच्छा पहले हम लगाते हैं थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस, हमने बताया कि अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज क्या यहां कहीं पे होगी, और अगर ये ऐसा मूव कर रहा है, तो क्या ये ऐसा मूव करेगा, समझ आ रहा है दोस्तों, ऐसा 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 पता नहीं कैसा। अब
हम निकालते हैं इसकी वैल्यू, हम निकालते हैं इसकी वैल्यू, ठीक है। सबसे पहले हमें इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक कर देते हैं, एक पैरेलल टू द मिरर निकाल लेते हैं, एक परपेंडिकुलर टू द मिरर निकाल लेते हैं, तो हमारा जीवन आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये 10 मीटर पर सेकंड है, ये 10 मीटर पर सेकंड है, तो इसका x कंपोनेंट होगा कितना, 10 cos 37 और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो होगा 10 sin 37 sin 37 की वैल्यू होती है 3/5, तो ये जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 4/5, मतलब ये जाएगा 8 मीटर पर सेकंड। तो हमें 6 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड दो स्पीड्स आ चुकी हैं। अब एक काम करो दोस्तों, मैं मान लेता हूं कि यहां पे एक ऑब्जेक्ट है जो इधर मूव कर रहा है विद स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकंड और दूसरा ऑब्जेक्ट है वो यहां मूव कर रहा है ऊपर विद स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकंड, ठीक बात है। चलिए अब हम क्या करते हैं, पहला ये अगर मैं इसको भूल जाऊं, इसको मैं भूल जाऊं तो ये आपको ऐसा लगा केस 1 हो गया। केस 1 व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग पैरेलल टू द मिरर सरफेस, जब भी पैरेलल मूव करता है तो इसकी इमेज अगर यहां बन रही है तो क्या इमेज भी 6 मीटर पर सेकंड से ही ऊपर जाएगी, 6 मीटर पर सेकंड से ही ऊपर जाएगी, क्लियर, ओके। अब ये भूल जाओ वाला केस, हम लेते हैं केस 2, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स द मिरर इट्स इमेज इज आल्सो मूविंग टुवर्ड्स द मिरर, दोनों टुवर्ड्स द मिरर मूव करते हैं, याद है दोस्तों दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, इसका मतलब अगर इसकी स्पीड 8 है तो इसकी स्पीड भी 8 होगी, इसकी वेलोसिटी प्लस 8 है तो इसकी वेलोसिटी माइनस 8 होगी, क्लियर। इसका मतलब ये इधर मूव करेगा विद स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकंड और विद वेलोसिटी ऑफ माइनस 8 मीटर पर सेकंड। अब काम खत्म, खेला खत्म, सब कुछ खत्म। अब हमें अगर रिजल्टेंट निकालना हो तो रिजल्टेंट निकालना हमारे बच्चों के लिए दोस्तों अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो ये था वही ये होगा 10 मीटर पर सेकंड, और हमारा कॉमन सेंस भी काम कर रहा था कि अगर इस एंगल पे आई थी तो इसी एंगल पे आई है और ये एंगल यहां से होगा 37 डिग्री, क्लियर दोस्तों। यहां से कितना एंगल होगा 37 डिग्री और ये इस डायरेक्शन में मूव करेगी। नाउ एक प्रॉब्लम आपको होमवर्क के लिए देता हूं दोस्तों, और आप उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए। चलिए यहां पर क्या गिवन है, हमें गिवन है कि एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि स्पीड से मूव कर रहा है, मान लीजिए 10√2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 10√2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, और यहां पर मेरा मिरर भी मूव करने लग गया, मेरा मिरर मूव करने लग गया दोस्तों विद स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड। आपको क्या बताना है, आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो आइए दोस्तों अब हम देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म। हमें यहां पर एक प्लेन मिरर गिवन है, ये मिरर है, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे दोस्तों ऐसी आ रही है, इसको मैं बोलता हूं आई, और ये ऐसी जा रही है, इसको बोलता हूं आर, ठीक बात। ये मेरी नॉर्मल रे है, ये नॉर्मल रे इस डायरेक्शन में ऐसे बना दी, ओके। नाउ हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर कितना लिया दोस्तों, थीटा लिया है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर थीटा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा ही होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। अब हमें पता है दोस्तों ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिखना चाहूं, अगर मैं आपको वेक्टर फॉर्मेट में लिखना चाहूं किसी को भी, मान लीजिए रिफ्लेक्टेड रे को या नॉर्मल को इंसिडेंस को, तो क्या करते हैं दोस्तों, हमेशा हम यूनिट वेक्टर की हेल्प लेते हैं, हमेशा हम यूनिट वेक्टर की हेल्प लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक्स डायरेक्शन पार्टिकल जा रहा है विद स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड, अगर मेरे को उसको वेलोसिटी बनाना है तो क्या मैं 3 i कैप जोड़ देता हूं, i कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है लेकिन उसमें के पास कुछ ना कुछ डायरेक्शन होती है, तो जो कैप होता है वो यूनिट वेक्टर होता है, वो कैप होता है वो यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर इज नथिंग इट इज एक्चुअल वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, ठीक है। चलिए तो हम एक काम करते हैं, इसको इसको अभी सिर्फ डायरेक्शन के फॉर्मेट में समझने की कोशिश करते हैं। हम मान लेते हैं कि ये हमारा इंसिडेंट रे की मैग्नीट्यूड है का डायरेक्शन है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन आई कैप, आई कैप क्या शो कर रहा है यहां पर, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, आई कैप क्या शो कर रहा है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन। सिमिलरली आर कैप, आर कैप क्या शो कर रहा है दोस्तों, रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन, आर कैप क्या शो कर रहा है, रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन, और यहां पर एन कैप बना दिया मैंने, ये एन कैप क्या शो कर रहा है, नॉर्मल रे का डायरेक्शन। क्या ये चीज क्लियर है, आई कैप को ये वाले कैपिटल आई कैप को स्मॉल आई कैप से कंपेयर मत कर देना दोस्तों,
ये इंसिडेंट रहे और वो आई कैप एक्सेस को रिप्रेजेंट करती है, ये एक्स एक्सिस नहीं है, ये इंसिडेंट रहे। क्या है दोस्तों? ये इंसिडेंट रहे, ठीक है। चलिए अब अगर ये इंसिडेंट रहे तो ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर मुझे मान लीजिए एक्सेलरेशन, ठीक, तो ये आई कैप, अगर मुझे ये रिप्रेजेंट करना है तो क्या माइनस आई कैप यूज करता हूं? अगर मुझे वायर रिप्रेजेंट करना है तो ये जे कैप यूज करता हूं, और माइनस वायर रिप्रेजेंट करना है तो माइनस जे कैप। मतलब अगर मुझे किसी की भी डायरेक्शन यहां से चेंज करनी हो, किसी की भी डायरेक्शन अगर चेंज करनी हो तो मुझे माइनस साइन यूज करना पड़ेगा। मैं काम करता हूं, इसको लिखता हूं आर कैप, इसको लिखता हूं एज इट इज, इसको लिखता हूं एन कैप एज इट इज, इसको लिख लेता हूं उल्टा माइनस आई कैप। क्या कोई दिक्कत है दोस्तों? मैंने आई कैप जो इधर डायरेक्शन था मैंने उसको ऐसा घुमा दिया। अगर मैंने ऐसा घुमा दिया तो क्या मुझे माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? बिल्कुल सही बात। तो हमने माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है दोस्तों? थीटा। दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा। अब मैं काम करता हूँ, ये मान लीजिए वेक्टर ए है या वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट निकालता हूँ, इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट निकालता हूँ। डॉट प्रोडक्ट निकालने का एक रीजन मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? माइनस आई डॉट एन। दोनों कैप है, कैप मतलब यूनिट वेक्टर है। तो क्या होता है दोस्तों? मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इनटू कॉस थीटा, द एंगल बिटवीन देम। और देखो माइनस आई और एन में एंगल कितना है? थीटा। ए डॉट बी का फॉर्मूला लगाया ना, ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। ओके, देखो क्या मिला, आई डॉट एन की वैल्यू आ गई, आई कैप डॉट एन कैप की वैल्यू आ गई। ये मैग्नीट्यूड वन है क्योंकि यूनिट वेक्टर है, तो यह जाएगा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। यहां से एक इंपॉर्टेंट कंडीशन आ गया, आई यूनिट वेक्टर आई डॉट यूनिट वेक्टर एन इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो दोस्तों अब हम निकालते हैं दो वेक्टर का सम। कौन सा वेक्टर? एक आर वेक्टर लेते हैं और एक माइनस आई वेक्टर लेते हैं। आर वेक्टर और माइनस आई वेक्टर। एक चीज ध्यान से सोच के बताओ दोस्तों, जब भी हम दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो क्या रेक्टेंगुलर लॉ लगाते हैं? वेक्टर एडिशन, a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो मैं यहां पर इसको मान लेता हूं a वेक्टर, इसको मान लेता हूं b वेक्टर, दोनों का एडिशन कर रहा हूं। a वेक्टर दैट इज r कैप, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की जगह माइनस आई रखा, प्लस टू इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस। एंगल कितना है दोस्तों दोनों के बीच में? आपको दिख रहा है ये थीटा, ये थीटा, तो क्या टोटल टू थीटा? तो जाएगा कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा, ठीक। चलिए तो मैं यहां पे लिखता हूं आर कैप माइनस आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा? आर कैप का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, आर कैप का यूनिट वेक्टर। अगर ये यूनिट वेक्टर है इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड तो 1 ही होने वाला है, 1 प्लस 1 माइनस 2, क्योंकि दोस्तों इधर माइनस आई है, तो जगह 2 इंटू 1 इंटू 1, तो जगह माइनस 2 कॉस 2 थीटा, माइनस 1 कॉस 2 थीटा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये हो जाएगा, अगर मैंने 2 कॉमन निकाल लिया तो जगह 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा दोस्तों हाफ एंगल फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहां पे लिखता हूं 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पर 2 थीटा था तो यहां पे थीटा बचेगा, ठीक है, हाफ एंगल फॉर्मूला। अब आप देख सकते हैं कि ये 2 इंटू 2 2 स्क्वायर हो गया और वो कॉस स्क्वायर थीटा है, तो मैं इसको डायरेक्ट क्या ऐसे लिख दूं 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा, ठीक है। ये क्या की वैल्यू हो गई मेरे पास? मैग्नीट्यूड की जा गई आई आर कैप माइनस आई कैप, आर कैप माइनस आर कैप माइनस आई कैप का मैग्नीट्यूड आ गया दोस्तों। क्या आया मेरे पास? मैग्नीट्यूड आया। अब ध्यान से सुनिए, अगर मैं दो वेक्टर को ऐड करता हूं, अगर मैं दो वेक्टर को ऐड करता हूं और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होता है तो क्या दोस्तों रिजल्टेंट बीच में आता है? ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ए वेक्टर इधर लिया और ए वेक्टर इधर लिया तो जो दोनों का रिजल्टेंट आता है, इन दोनों का रिजल्टेंट मतलब एडिशन, रिजल्टेंट मतलब एडिशन, दो वेक्टर के रिजल्टेंट को, दो वेक्टर के एडिशन को रिजल्टेंट बोलते हैं, दो वेक्टर के एडिशन को रिजल्टेंट बोलते हैं। मतलब दोनों का अगर एडिशन किया तो हमेशा जो रिजल्ट आएगा, अगर ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्ट हमेशा के बीच में आता है। तो अगर मैं इसको, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, तो इसमें अगर डायरेक्शन ऐड कर दूंगा तो क्या वेक्टर बन सकता है? हाँ बन सकता है। इसका मतलब अगर मैं आर माइनस आई को वेक्टर बनाना चाहूं, आर माइनस आई को
वेक्टर बनाना चाहूं तो इधर से मैग्नीट्यूड हटाया तो इधर से मैग्नीट्यूड हटा के डायरेक्शन देनी पड़ेगी इसको मैग्नीट्यूड को, तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा। दोस्तों क्या आपको दिख रहा है, एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर, इसका मैग्नीट्यूड 1 इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मतलब जो आंसर आएगा वो क्या इस डायरेक्शन में आएगा, और अगर इस डायरेक्शन में आएगा तो क्या मल्टीप्लाई कर दूं 1 से, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 1 से या फिर यूनिट वेक्टर से तो क्या मैं इसको n के आगे लिख सकता हूं। यहां तक आपको पिक्चर क्लियर होना चाहिए। हमने क्या किया, हमने पहले मैग्नीट्यूड निकाला, और मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन, इन दोनों की जो मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन वो एन कैप के अलोंग ही आने वाली है, दैट इज फॉर श्योर, क्योंकि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट जो आएगा वो बीच में आएगा। ओके, अब देखो ध्यान से, यहां पे हमें जब गिवन होते हैं वेक्टर फॉर्मेट में तो हमें सिर्फ नॉर्मल वेक्टर और इंसिडेंट वेक्टर गिवन होता है, हमें कभी थीटा वगैरह गिवन नहीं होता है, तो हमको थीटा रिमूव करना है, और इसीलिए मैंने आपसे डॉट प्रोडक्ट निकाला था। सबसे पहले मैंने आपसे डॉट प्रोडक्ट इसीलिए निकलाया दोस्तों ताकि अपने को थीटा का मैं रिलेशन हटा सकें। ध्यान से देखिए इधर, क्या मैं कॉस थीटा को माइनस आई वेक्टर मतलब आई यूनिट वेक्टर आई डॉट यूनिट वेक्टर एन लिख सकता हूं थीटा को? चलिए तो मैं यहां थीटा रिमूव कर रहा हूं, ये हो जाएगा आर वेक्टर मतलब आर क्या माइनस आई क्या इक्वल्स टू माइनस टू इंटू कॉस थीटा की जगह रखता हूं माइनस टू आई डॉट एन, आई क्या डॉट एन क्या इंटू एन वेक्टर, इंटू ये डॉट नहीं दोस्तों एन वेक्टर है वो, मतलब यूनिट वेक्टर एन है, यहां पर डॉट प्रोडक्ट है, यहां पर वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन है। ओके, अब देखो दोस्तों ध्यान से, तो क्या रिफ्लेक्टेड रे ऐसी आगे मिली आई प्लस आई दिस विल गेट पॉजिटिव एंड दिस विल बी नेगेटिव ओनली माइनस टू आई डॉट एन दोनों यूनिट वेक्टर इंटू एन कैपिटल, दिस इज द फॉर्मूला फॉर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म, कि यूनिट वेक्टर किसका रिफ्लेक्टेड रे का इज इक्वल्स टू यूनिट वेक्टर इंसिडेंट रे का माइनस टू टाइम्स आई कैप डॉट एन कैप इंटू एन कैप। क्लियर? तो आइए दोस्तों इस फिनोमेना को समझने के लिए एक एलटीक्यू लेते हैं। यहां पर हमें इंसिडेंट रे गिवन है टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप, और जो नॉर्मल रे गिवन है वो है जे कैप। इसका मतलब ये क्या 2D में हो रहा है सब कुछ इसी बोर्ड में, अगर ये x एक्सिस मान लो ये y एक्सिस मान लो तो ये रे ऐसी आ रही है नॉर्मल ऐसी है और ये रे ऐसी चली जाएगी। ठीक बात है। चलिए हम सबसे पहले ये फॉर्मूला निकाल के r वेक्टर निकालने की कोशिश करेंगे, r कैप निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम निकालते हैं इसे। सबसे पहले निकालते हैं i कैप। i कैप क्या होता है, हमें वेक्टर गिवन है, तो वेक्टर से हम कैप निकालते हैं सबसे पहले। So, 2i cap plus 2i cap minus 3j cap divided by its magnitude. Magnitude कितना होगा दोस्तों? 2 square plus 3 square that is 30. 9 plus 4 equal to 30. Okay. ये हमारा हो गया i cap. अब क्या निकालना दोस्तों? n cap निकालना है. n cap. ये है j vector. तो n cap कितना हो जाएगा मेरा? n cap हो जाएगा j vector divided by magnitude 1. ठीक है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड जो कि 1 है। अब फार्मूला लगाते हैं दोस्तों, r कैप कितना आएगा, r कैप आएगा हमारा i कैप दैट इज 2i कैप माइनस 3j कैप डिवाइडेड बाय रूट 13 माइनस 2 टाइम्स i डॉट n मतलब इन दोनों डॉट प्रोडक्ट करना है। हमेशा याद रखिए जब भी डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है। इसका मतलब i डॉट j 0 हो जाएगा और j बचेगा j डॉट j मतलब माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय रूट 30 राइट इंटू n कैप क्या है हमारा n कैप हमारा j वेक्टर है j कैप ठीक है j कैप ओके अब इसको सॉल्व करो कितना आएगा दोस्तों ये आएगा हमारा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6j कैप डिवाइडेड बाय रूट 30 अब एक काम करते हैं इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप डिवाइडेड बाय रूट 30 ये मेरा r कैप आ गया अच्छा
अगर मुझे r वेक्टर निकालना हो, अगर मुझे r वेक्टर निकालना हो तो हमें पता है दोस्तों मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई कर दो r के हाथ में, r के हाथ में इसके मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई कर दो, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा दोस्तों ध्यान से देखो, तो यह जाएगा 9 + 4 का रूट 13 है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड आ गया 2i + 3j, ये हमारा r वेक्टर आ चुका है दोस्तों, ये मेरा r वेक्टर आ गया है। एक पॉइंट जो आपको इंपॉर्टेंट यहां नोट करना है, ये बात हम फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं कि अगर कोई इंसिडेंट रे ऐसी आ रही है तो क्या होता है दोस्तों, उसके दो कंपोनेंट होते हैं, जैसे ही वो टकराएगा क्या ये वाला कंपोनेंट रिवर्स आएगा, याद आया कुछ कि जो सरफेस के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है वो रिवर्स रहता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है, ऐसे जैसे चलता है। देखो दोस्तों ये था 2i - 3j, मतलब 2 इधर x में और j में नेगेटिव, टकराने के बाद आंसर देखिए दोस्तों x में तो अभी भी 2 ही है लेकिन j में +3 हो गया। अगर इतनी मेहनत नहीं करते हैं, डायरेक्ट थोड़ा लॉजिक लगाते, कॉमन सेंस लगाते तो जिंदगी आसान होती, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, आपने सीखा है कुछ यहाँ पे। चलो अगला लेते हैं LTQ, यहाँ पर हमें 3D में गिवन है, आई जे के तीनों गिवन है, तो हमको समझ में आ गया है कि डायरेक्ट लॉजिक और दिमाग इसमें नहीं लग सकता, लगेगा इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला ही। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे आई कैप निकालने की विधि क्या है, आई कैप निकालने के लिए हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 2i + j + 2k डिवाइडेड बाय √a² + b² + c², मतलब 2 + 2 + 1 दैट इज 2² + 2² + 1 ये हो गया 9 √3, तो ये आ गया 3, ठीक है। चलिए सिमिलरली n कैप निकालता हूं, मेरा n कैप कितना हो जाएगा दोस्तों √2i + √2j, ठीक है √2i + √2j, तो जब n आएगा मेरा वो कितना आएगा √2i + √2j डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड होगा √a² + b² मतलब 2 + 2 = 4, 4 √2, ठीक है। तो हम डायरेक्ट यहां ऐसा लिख सकते हैं i/√2 + j/√2, ठीक है। अब नहीं भी कन्वर्ट करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। अब हम निकाल लेते हैं i.n निकाल लो, i कैप डॉट n कैप, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, जब भी डॉट प्रोडक्ट करते हैं i i1 j j1, ओके। तो 2/3 × 1/√2 क्या हो गया, ये 2/3√2 मैग्नीट्यूड, ठीक है। फिर j.j मतलब हो जाएगा j/3 + j/√3, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, ये 1/2√3, 1/√2 × 3, 1/√2 × 3, ठीक है। तो कितना हो गया ये इक्वल टू हो गया 3/3√2 मतलब 1/√2 मेरा आई डॉट एन आ गया। अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है आर कैप निकालने के लिए, आर कैप इक्वल टू आई कैप कितना है, आई कैप निकाल लिया 2/3 + j/3 + 2k/3 -2 × -2 × i.n, i.n के 1/√3 निकाल, तो ये डायरेक्ट लिख देता हूं दोस्तों, डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखो दोस्तों माइनस बाहर निकल गया, 2 × 1/√2 n कैप की वैल्यू कितनी है, i/√2 + j/√2, ठीक है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए दोस्तों, देखो √2 का मल्टीप्लाई अगर अंदर कर दूंगा और या मैं √2 कॉमन निकाल दूं, √2 क्या निकालता हूं कॉमन निकालता हूं, अगर √2 कॉमन निकाल जाए तो √2 × √2 कितना हो गया 2, इसका मतलब ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, अब हमारे पास कितना बचा 2i / j/3 + 2k/3 - i - j, -i - j, बस आप सॉल्व कर लो, आंसर आपके हाथों में, 2/3 - i कितना हो गया -i/3, फिर j/3 - 1 तो कितना हो गया -2j/3 + 2k/3, दिस विल गिव मी r कैप,
ठीक है। अब आर कैप की वैल्यू आ चुकी है, आप चाहें तो इससे आर वेक्टर भी निकाल सकते हैं। क्लियर। सक्सेस इज मेजर्ड बाय डिसिप्लिन एंड योर इनर पीस। स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग, कीप रिवॉर्डिंग।